वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। भाई लोग, आज हम क्या करने वाले हैं? मुट्ठी मारेंगे आज। तो भाई आज हम सुनने वाले हैं दिस दैट ड्रिल, ठीक है। और अबे इसमें तो कोलैबोरेशन ही बहुत अबे। हाँ तो भाई, शारा है उमर अंजुम हेजी तलहा होने हुसैन, ये तो ऐसे लग रहा है रोल नंबर रेसलिंग में खोल के बैठे हो। काशान सेठ सेट जो भी है, और सैवेज ताहा जो है ना यार, इसका जो म्यूजिक क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी जो होता है ना, वीडियो का बहुत सेक्सी होता है। एनीवेज भाई और मेयर की तरफ से आया, और बहुत बढ़िया भाई, बहुत खुर्शीद पुत्र लाख फिटे। अच्छा भाई, मैं रिकॉर्डर ऑन करना भूल गया था। और सुनाए जानी, क्या हाल चाल है? जानी से याद आया, बोल जानी नहीं है इसमें। हम स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और चेक करते हैं। ये ड्रिल है ना, ये ड्रिल है भाई, ड्रिल 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 ड्रिल। बाबा जी है। यस कमांड, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। गाने के विजुअल्स बहुत प्यारे हैं, थैंक यू। This that O2 one sala share jaane lete mujhe photo sab mile nahi time ye to tu meri type nahi puche aage bhejoge vocals ka drill ho ya trap ka boom mera rap jaane yahan pe karu sara main total sa lose the focus sab need the boy ki kya nahi local pass mari clip pe khali us cars is cruise bashamun mero valio first ke shot nobody knows bye bye bitch that bitch ko sari yo sa kon hard kon big the party knows hal nahi tera li to chali do step back kare mujhe full body pose i like the way she move the shiny goes। मुझे तीन गाने पसंद है ड्रिल में। मेरे को तो ड्रिल ना, मेरे को मेरा एक दोस्त था वो बहुत ज्यादा सुनता था, तो मेरे को ड्रिल पता भी नहीं था। इवन मुझे अभी भी ड्रिल बीट पता चल जाती है क्या, बट उसका जो इसके जो एलिमेंट होते हैं ये इतना खास में गहरा गहराई में अंदर घुसा ही नहीं, और मेरा है भी नहीं ये सीन। तो वो बड़ा सुनता था और मैं कहता हूँ बहुत वधिया खुर्शीद पुत्र, बहुत वधिया। मेरे को तीन गाने देसी पॉप के अंदर अच्छे लगे जो ड्रिल पे थे, एक सजाए मौत, एक थैंक्स टू माई हेटर्स था मेरे ख्याल से एम वे का, और तीसरा है जिसमें बोल जानी और शार है क्यों कुछ सारा करके शार है। इस भीड़ पर इतना कुछ सेक्सफुल लगता है ना इसका, जो इसके जो थ्रो होता है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर, यार मैं ये बोलूंगा जरूर कराची के अंदर मुझे शार है से बेहतर ड्रिल पे कोई और अच्छा नहीं लगता। बहुत सेक्स मतलब ब्रो सॉरी, लेकिन हाँ तुम उमर अंजुम देख रहे हो, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि शारा बहुत सेक्सी लगता है मतलब मुझे ड्रिल पे। My bitch, that bitch, go sorry, yo. Sock on, hard on, big the party nose. Hard link, kick to the lead, to the chali dose. Step back, carry, mujhe full body pose. I like the way she move, the shiny goes. Hard band, chote hard band, karu na kal. Bache ka tu bache yaha pe bal, bal. Bigde ga tera bhi hal, wal badal denge tini chote ek chal. Dance ki mass movies bole idhar da ka dal. Pull up for the crew, bade ta ta ta. Bale ho gaye honge zyada saath, duniya lute. Iske jo beech mein bhi word bars aaye hain, to wo is tarah jaise hard band, khair pata chali gaya hoga logon ko. But थोड़ा यूनस का लहजा तुम्हें महसूस हुआ होगा, क्योंकि डाकू मेरे ख्याल डाकू गाना ज्यादा जो रिलीज, अच्छा मुझे पता भी नहीं है कि यार वो ओरिजिनल भी था कि नहीं। खैर तो तुम्हें हल्का सा ऐसा यूनस का जो वर्स है ना उसकी परछाई नजर आएगी इसके बाद में। छोटे हाथ बांध करूं ना क्या बच्चे का तू बच्चे यहाँ पे बाल बाल बिगड़ेगा तेरा भी हाल बाल बदल देंगे तेरी छोटे एक चाल डांस की मैं सुबह बोले इधर डाका डाल पुल फिर द क्रू बने था 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 बले हो गए होंगे ज्यादा साल दुनिया लुटेरी हम माला माल शुरू हो टू वन से एंड तक उमर की बीट हेड शॉट बिच डक ड्रिल किंग तेरा बाप लाया बेबी है बेली जीन मेरी गेम दे राम राम सत्य है सत्य में बजे थे अभी क्या मैं बोलूं मैं मेरी हिंदी खत्म हो गई भाई। इसका वो होता है ना शनाख्ती कार्ड पे जैसे होता है शनाख्ती अलामत क्या होता है यार वो होता है कि दिखाओ तो फिर वो इस तरह तेल लो या कुछ, इसका भाई लगा दो ड्रिल की भाई जान छोड़ दो। मान लिया तुम्हें, मैं कहता हूं मान लिया। वन से एंड तक उमर की बीट हेड शॉट बिच डक ड्रिल किंग तेरा बाप लाया बेबी है बेली जीन मेरी गेम देख तेनू ना मिले मेरे वर्गा उन गेम में तेरे एंड पे रैप करो का सैंडविच ओ शिट मेरा शॉट जैसे AK-47 बिग डॉग जैसे जे जे सुखे में गले मेरे बफलो बेली जीन उन्हें को हजम कर रहा हूं तो ये गेम में तेरे एंड पे रैप करो का सैंडविच ओ शिट मेरा शॉट जैसे AK-47 बिग डॉग जैसे जे। यार ये किस तरह कर लेते हैं ब्रो, मैं मतलब मैं सोच तो निखाई में ये काफी ज्यादा रैपर्स करते हैं
एक तो चीज मुझे पोस्ट का बहुत ही मजा आता है, जैसे कोई वर्ड यूज किया एक के, अब वो 47 को एक अलग बार के साथ जोड़ रहा है, तो वो ना अंदर से दूधू खड़े होते हैं, कसम खुदा की, मतलब ये मजा आता है। शॉट जैसे AK-47 बिग डॉग जैसे JJ, मेरे गले मेरे को फ्लो मेरा बेबी, 47 JJ कभी ना होना ब्लो मैंने बेबी, पहले ही बोला मैं तुझे हूँ बहुत क्रेजी, धुएदार सीन साथ बीट पे हेजी, जाबू है माइंड फक की बार्स, बेकाबू हूँ मैं टाइम्स अप टू हार, सब ब्लू टिक्स मैं नहीं अदाकार, फील सो से कह रैप का। अरे अदाकार से मेरे को याद है, मैं इतना खुश हुआ कि यार वो फिरोज खान क्या उसने रैप किया, तो बाद में पता चला लिरिक्स लाइन पे चंगी किस्मत हो गया है, वो तो व्यूज शो निकला लिरिक्स शो निकला, मैंने सुना है, अभी मुझे पक्का नहीं है, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन वो नहीं देखा कि लिरिक्स किसने लिखे, तो हाँ ब्लू टिक्स तेरे पास ड्राई बेटा ये ले वैसलीन, पॉप कर स्मोक आर आई पी टू बेली जी, नो टू वन बिग चुके रखा सीन, हाई एज फक अभी भूखे बैठा तीन, इतने अपना को खर्ची दे, हसल नहीं बैठे हम पर्ची पे, दो पेटी साइड की ब्रांडेड आया लावा उगलते हम धरती पे, बस इस एक चीज मुझे समझ नहीं आई, वो सीन हाई एज फक अभी भूखे बैठा तीन, इतने अपना को खर्ची दे, मैं भूख के बैठा तीन, एज फक अभी भूखे बैठा तीन, इतने अपना। तैमूर बेग तुम फिर झूठ बोलते हो, मेरे को वो नजर तैमूर का एक गाना है बड़ा कमाल किस्म का, मुझे याद हो गया है उसके अंदर, वो बोलता क्या है कि मैं पीता हूँ सिगरेट और तुम पीते हो खाली कुछ ऐसा करके, आंखों में हल्के अमल के नहीं आए, रैपर्स निकल के तो नीचे ये बल के ना जाए, ऊपर निगाह इस पे भर के ही जाए, लात मारी किस पे आप बात को दबाए, सोचो जो तुम लोग को करके हम जाए, चहल अपने बहुत चन्ना से दूर सांपों की मब समाप्ते, तू हाथ में मां के मैं कमा के दू, मैं तू तेरी सोच तो चमाट में दू, रिमांड में लू डिमांड में हूँ, तो ये मादर चौथ करे बातें मेरे बारे कहने बोले बाले सारे गुनेगारे, अपने बोले जाने माने माने या न माने, जान अस्पताल करे पहन के दर्द ने सुने मैंने शॉट ताने हाँ करके बैठे करूँ जो भी प्रिडिक्ट रैपर्स निकल के तो नीचे ये बल के ना जाए, ऊपर निगाह इस पे भर के ही जाए, लात मारी किस पे आप बात को दबाए, सोचो जो तुम लोग को करके हम जाए, चहल अपने बहुत चन्ना से दूर सांपों की मब समाप्ते, तू हाथ में मां के मैं कमा के दू, मैं तू तेरी सोच तो चमाट में दू, रिमांड में लू डिमांड में हूँ, तो ये मादर चौथ करे बातें मेरे बारे कहने बोले बाले सारे गुनेगारे, अपने बोले जाने माने माने या न माने, जान अस्पताल करे पहन के दर्द ने सुने मैंने शॉट ताने हाँ करके बैठे करूँ जो भी प्रिडिक्ट, जैसे मैं तुझे सिखा रही सिलेक्ट आऊंगा अब फुल्ली डायरेक्ट। हेजी का बस मैं असल में सोच रहा था, मैं सच बोलूंगा तुम लोगों में भी होगा कि उमर अंजुम का तुम ये सोच रहे हो इस टाइप वर्स होगा, क्योंकि उमर अंजुम ड्रिल पे और इतने ज्यादा लोग हैं, तो मेरे कसम है मतलब एक फर्स्ट विजन ही ऐसा जा रहा था कि ऐसे सोच ही जा रही थी कि मेरे को लग रहा था कि उमर अंजुम ही होगा कि फास्ट फ्लो करेगा, बट उमर अंजुम ने अपना एक अलग तरीके से डिलीवर किए अपने लफ्ज़, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उमर अंजुम को इस फ्लो में मैंने देखना था। सो हाँ खाई बेटी तेरी बॉन्ड पे तै साली बे चढ़ बस सभी रेट्स फ्रेंडली फायर खोले बॉट्स खड़े बटर आई एम ऑफ द टॉप हम बड़े तेरे घर मोले टॉप ले खड़े बेहतरी कहानियां खेचू पसा अन्य मामे लाता नहीं मैं हाँ में आप के पहले फातिया खेचू तुझे कवर सौर मारू कहा हाँ में आ खेल खेले अपन वही सो कर रप रातों रातों चले यानी पोकर बस खड़ी मड़ी हुई नहीं तो ठोका कप टाइम वाइम आने दे मैं दूंगा कप ये बीट को ला मैं मेरी जीत लगाम नहीं लेरी फीट का काम नहीं बेबी हाँ जीत स्लो एंड स्टेडी तो मते भी लगी वो कहेंगे नहीं के मैं कितना मेहनती लूजिंग सैनिटी पूजिंग वैनिटी वो किला फैमिली मेरा पैनली फक योर यंसिटी वो का फरमान लाया डाकिया। मैं बहुत अजीब सा साउंड कर रहा हूँ बट तुम ये गाना सुन के तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ना सीडीएम होता आएगा ब्रो, जिस तरह से थ्रो कर रहे हैं ये लव्स मतलब डिलीवरी जो है ना फूड पांडा ये तुम्हारे जेहन में एकदम सीधे मोत आएगा, मैं सीधे मोत ना होने के बराबर सुनता हूँ, लेकिन एक 709 साथे काबिना के तेरी मैं पढ़ूं फातिया होमरे देला माफिया 021 तेरी बोरी पैक भाई वाले कहे मेरे जोड़ी चेक चैनल घूमे अंचोली में कलाकार दिखे चोली में भोसड़ी के ना पिए सड़क कर मुस्तकबिल पे दस्तक तू पेच कर सर में मैं नकस तू बस कर तू फंसा जो कस कर तू पुशिंग बी पुशिंग के पुशिंग ई साइड देख देता मुझे साउथ साइड जो तू बरसो तू कितना जानता है सबको को कलम छोड़ दे हरफ जोड़ ये कलम हूँ तेरे में हलक को तेरे हुड में मैं ब्लड वॉक और कास्ट कर से रहा नहीं इन माय नेफा हाथ से मैं फा 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 शुरू हो 021 से एंड तक लेते साथ सेल्फी तुम ते फैन तब मारे बस केडिंग सी बेटे हैंड्स अप सेविज उमर सान यू कैन फक करने हैं हम गोरिल्ला वॉर दो टुकड़ों में जाएगा ले घर पे कॉल उसी रैपर ले ले सर पे शॉल ये लास्ट नेम अपना। और यार मुझे बीच में पता चला कि सैविज के घर से कोई अल्लाह ना मतलब मैं गलत बात नहीं मतलब
फोत हो गया, इनकी नाम नहीं, बहन या कोई मुझे पता चला। अल्लाह यार वो जान, अच्छा कर, मुझे गलत हूँ तो मुझे रोक देना। अच्छा गोरिल्ला वॉर दो टुकड़ों में जाएगा, ले घर पे कॉल, उसी रैपर ले ले सर पे शॉल, ये लैस नेम अपना तू कर ले कॉर्ड चंद्र पॉल, अपना स्टांस ही डिफरेंट, पेपर ही पेपर, थंडर में फ्लिन सेट नहीं करते। मैं चंद्र पॉल, चंद्र पॉल बोल रहा यार ब्रो। पहली बात तो यह है कि अगर मैं सैविज को सुन रहा हूँ तो मुझे ये है कि मुझे विकीपीडिया के बार नजर आएंगे, ठीक है ना। तो मेरे से ये उम्मीद ना लगा के बैठो कि मैं बहनचोद, मैं जोशी हूँ जो बता दूंगा। तो ये चंद्र पॉल, अगर ये चंद्र पॉल बोल रहा है तो एक हमने, क्योंकि ये वो वेस्ट इंडीज का प्लेयर है एक, लेकिन अब मुझे नहीं पता ये किस लिहाज से बोल रहा है। तो मेरे से ये उम्मीद ना लगाना कि मैं इसके बार्स तो पकड़ लूँ, रेफरेंस पकड़ पाऊंगा। छोटी कंट्री फिल्पिन चुपकर बड़वे मारे घर में घुस के पीछे बातें चोते वैसे कुछ में पड़ गए उम्र साथ कंट्री फिल्पिन चुपकर बड़वे मारे घर में घुस के पीछे बातें चोते वैसे कुछ में पड़ गए उम्र साथ के लड़के सेंट्रल हिप हॉप जाके मसले पड़ गए मेरे साथ असली हिट मेकर जैसे बॉस शेड आदे थिक पेपर तू बड़ा बीजी किधर के टेक कर शो पे खड़ा ग्लॉग लेके विद लेजर पापा तेरा भेजा बार दिसंबर भी मैं देता पार नेजा जाए तेरा सीना चीरा वांट काइली जैनर विद दना नीर आ ये लास्ट में आ लास्ट वाला बार मेरे को नहीं पसंद है। खैर भाई बात ऐसी है कि पहली सबसे बड़ी तो चीज़ ये है कि इस मैं तुम्हें उसमें भी बोला था हायर जोन यार देखो किसी लेबल या किसी प्रोड्यूसर जो मैं तुम लोगों को एक बात बताऊँ रीच बढ़ाने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तरीका यह है कि कोलैब पे कोलैब होना चाहिए। इससे सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि यंग आर्टिस्ट आता है जैसे मेरे लिए इसके अंदर जो है ना ताहा हेजी को तो खैर लोग जान पड़े थे, एक छोटी सी आई बन गई थी जब तैमूर का बीफ हुआ था। तो काशान और ताहा ये लोग ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि मैं ये नहीं बोल सकता कभी कि टैलेंटेड नहीं है, लेकिन जैसे वायस ने मलीर बॉयज एक जो नेम बन गया हुआ था जिसमें ये बोल जानी सैवेज और ये चीज़ें इनका आ गया था पुश मिल जाता भाई बहुत अच्छा ठीक है। और अभी सॉरी तो जोके ने ये काम किया खाना बदोश बनाकर, इससे आपको एक तुम्हें पता ना एक अप्रोच अच्छी मिल जाती है जिससे आपको 10-12 लोग और जानना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो काम है ना ये उमेर कर रहा है ये बड़ा कमाल किस्म का, तुम इस नज़रिए से देखो। गारा ऑब्वियसली मुझे इसमें से सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगा है, मैं थोड़ा बायस हूँ हालांकि इसके अंदर हेजी बहुत सेक्स मार रहा था लेकिन मुझे शार है का मुझे मैं हूँ उसके लिए मुझे अच्छा लगता है वो ड्रिल पे। लेकिन इससे ये होता है यार जल्दी आसानी तुम में से कई लोग होंगे, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं गेन कर रहा, कराची के अलावा अगर कोई बाहर से सुन रहा होगा ना तो शायद ही ताहा और क्या काशान का मेरे ख्याल से गाना उसके साथ आया था जोके के साथ साया। तो मैं यहाँ पे कोई नाप तोड़ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोलैबोरेशन इस तरह की होनी चाहिए और इससे ये होता है कि प्रोड्यूसर को भी फायदा हो रहा होता है और इनको आपस में भी फायदा हो रहा होता है, ऑडियंस गेन होती है, कोलैब पे कोलैब होता है और वो कहते हैं ना अंडरडॉग टाइप सीन है तो वो सीन तुम्हें नजर आ जाता है। तो हाँ आजकल वैसे भी उमेर के गाने सारे इन हुए हैं यार मुझे हिचकी और डकार क्यों आ रहे। सो वर्सेटाइल प्रोड्यूसर तो है ही है लेकिन आजकल वो इन है, उसका गाना ट्रेंडिंग में भी है जो कि मुबारक हो। और हाँ ब्रो इन्जॉय है बस बाहर से तुम्हें एक जैसे तुम्हें चस आ जाएगी जब तुम 5-6 जोड़े लगा के एकदम यस मॉल में हो गए ना तो तुम्हें एक हिट लिस्ट या वो जिसमें रैप डीमन था और इन सब ने कोलैब किया था उस तरह की वाइब आ जाएगी, मस्त हो जाओगे तुम लोग। मिलता हूँ लोगों को किसी अगली वीडियो पे और हाँ राम राम यस कमांडो।